नमस्कार। ग्रह एक दूसरे को कई तरीके से प्रभावित करते हैं। दो मुख्य प्रभाव हैं, युति व दृष्टि। युति को अंग्रेजी में कंजंक्शन कहते हैं। युति का मतलब है साथ बैठना। अगर दो ग्रह एक ही राशि में स्थित हों या पास पास स्थित हों तो उसे कहते हैं ग्रहों की युति। हमारी कुंडली में चंद्र और मंगल कर्क राशि में स्थित है, इसलिए ज्योतिषी भाषा में हम कहेंगे कि चंद्र और मंगल की कुंडली में युति है। क्योंकि चंद्र और मंगल की युति है इसलिए वे एक दूसरे के परिणामों को प्रभावित करेंगे। मंगल स्वभावतः क्रूर ग्रह है और कर्क राशि में नीच का हो जाता है। छठा भाव भी हमने जाना कि नकारात्मक भाव होता है, जहाँ ग्रहों की स्थिति अमूमन अच्छी नहीं होती। इसलिए हम कह सकते हैं कि मंगल चंद्र को नकारात्मक यानी नेगेटिव रूप से प्रभावित करेगा। ग्रह कारकत्व वाले वीडियो से अगर हम याद करें कि चंद्र माता, मन, आँख आदि का कारक है। मन पर मंगल के नकारात्मक प्रभाव की वजह से कुंडली वाला व्यक्ति जिद्दी हो सकता है। उसी प्रकार माता का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि चंद्रमा माता का कारक है और छठा भाव रोग का कारक है। मंगल अपना नकारात्मक प्रभाव भी उसमें डाल रहा है। जातक की आंख भी कमजोर हो सकती है। क्यों? क्योंकि चंद्र आंखों का कारकत्व दिखाता है, छठा भाव रोग का है और मंगल फिर नकारात्मकता उसमें जोड़ रहा है। युति के बाद अब हम दृष्टि की बात करते हैं। दृष्टि का अंग्रेजी में कहते हैं एस्पेक्ट, और दृष्टि का मतलब होता है देखना। ग्रह दृष्टि के द्वारा भी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, जैसे युति की केस में। प्रत्येक ग्रह अपने स्थान से सातवें स्थान को पूरी दृष्टि से देखता है। इसके अलावा मंगल चौथे और आठवें स्थान को भी पूरी दृष्टि से देखता है, गुरु पांचवें और नौवें स्थान को भी देखता है और शनि तीसरे और दसवें स्थान को भी देखता है। राहु और केतु के लिए फिलहाल ये माने कि उनकी दृष्टि नहीं होती है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।